दोस्तों इंडियन आइडल भारत का एक ऐसा शो है जिसे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा जाता है। इंडियन आइडल कई सालों से भारत को हर साल एक से बढ़कर एक सिंगर देता आ रहा है। इस मंच पर आते तो कई कॉन्टेस्टेंट्स हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 15 खुशनसीब लोग ही हो पाते हैं, और उन खुशनसीब कॉन्टेस्टेंट्स में से हर हफ्ते कोई ना कोई एलिमिनेट हो जाता है और उसे इस मंच को अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन इस मंच पर आने वाले हर कॉन्टेस्टेंट की किस्मत जरूर खुल जाती है। ये कॉन्टेस्टेंट भले ही शो के विनर ना बन सके, लेकिन फिर भी इन्हें कई मूवीज के सॉन्ग्स के ऑफर्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आज इंडियन आइडल का सीजन 12 चल रहा है, जिसके खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। 15 कॉन्टेस्टेंट्स में से अब सिर्फ कुछ ही कॉन्टेस्टेंट्स हैं विनर की रेस में। आज की इस वीडियो में हम उस कॉन्टेस्टेंट की बात करेंगे जिसे आज इंडियन आइडल के मंच को करना पड़ा अलविदा। इस वीक बॉटम 3 में 3 लोग थे, सवाई भाट, निहाल तारो और अंजलि गायकवाड़, और इन तीनों में से एक सिंगर एलिमिनेट होना था। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि कल इंडियन आइडल में कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको ये न्यूज सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं, और इनमें से कौन सा कॉन्टेस्टेंट आपका फेवरेट है ये भी हमें बताएं, और अपने फेवरेट सिंगर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी होप दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट celebritynews.blogspot.com which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.